सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का लेसन नंबर मराठी का 7, जिसका नाम है दिव्याचे शोधा मागचे दिव्य। और उसका आज हम आपको स्वाध्याय के आंसर्स देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1, जो कि लिखा है आकृति बंद पूर्ण करा। और क्वेश्चन है, सर हम्फ्रे देवी यानी तैयार के लिए दिव्याचे मर्यादा, उसके चार बॉक्स थे, चारों बॉक्स का आंसर हमने आपको यहाँ दे दिया है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, बाबूंचा निर्निर्या जाती गोला करण्यात एडिसनच्या सहकार्यांना आलेले अडचणी, उसके भी चार हमको ऑप्शन यहाँ दिए गए। और चारों के चारों टेबल के आंसर हमने आपको लिख के दिया, टेबल के नहीं दिया क्योंकि टेबल छोटा था, इसलिए हम आपको ऐसे आंसर दे रहे हैं। अब हम बढ़ते आ रिक्या में जागा भरा, तीन फिल इन द ब्लैंक से, तीनों फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर हमने आपको यहाँ दे दिया है। फर्स्ट का है 21 अक्टूबर 1851, सेकंड का है वर्तमान पत्र, और थर्ड का है 99%। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, योग्य पर्याय शोधन वाक्य पूर्ण करा। क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 का जो ऑप्शन दिया था हमें, तो हमने आपको टिक करके दे दिया है, तो जो टिक किया है वो आंसर आपको वहाँ लाइन में लिखने का है। अब हम बढ़ते आ की ओर, आकृति पूर्ण करा। एडिसनच्या व्यक्तित्वाचे गुण विशेष, चार हमें एरो दिए गए, मतलब चार आंसर हमने लिखने, तो हमने आपको यहाँ चारों आंसर्स लिख के दे दिए है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, खालील वाक्यातील आधोरिक्त शब्दांचे वचन बदलून वाक्य पुनः लिहा। और यहाँ हमें चारों क्वेश्चन दिए हैं, उसके चारों के आंसर हमने आपको यहाँ दे दिया है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों में जरूर सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए बाकी सब्जेक्ट के भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिएगा, वहाँ आपको सारे टेक्स्ट बुक के सब्जेक्ट के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो अब जो स्वमत का जो आंसर है वो बहुत बड़े बड़े आंसर्स थे, तो इसके लिए हमने आपको यहाँ डाइजेस्ट पिक दिया है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, और उसे फिर बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमने जो भी वीडियो में आंसर दिया वो 100% राइट आंसर से, तो कोई भी गुंजाइश नहीं कि ये आंसर रॉन्ग है, ये 100% राइट आंसर से आप इसे इजीली नोटबुक और वर्कबुक में लिख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर, और चैनल को नीचे दे लाल बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो